आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित ने दिखाई महानता तो पूरा किया, शंका ने शतक, लेकिन मोहम्मद शमी के मानकंड पर भड़क गए कुमार संगकारा। शमी की इस हरकत पर उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए कुमार संगकारा ने जो कहा है उनकी बातें सुन आपके भी कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर क्या कहा है सूर्य कुमार? कुमार संगकारा ने मानकंड के बाद उसके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और उमरान मलिक में से कौन था पहले टेस्ट मैच की जीत के हीरो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में अंतिम ओवर में मोहम्मद शमी ने जो मांकड़ का प्रयास किया वो रातों रात पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ले आया। दरअसल भारतीय टीम के 373 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका की हार बहुत पहले ही निश्चित हो गई थी, लेकिन श्रीलंका के कप्तान दासुन शनका चट्टान की तरह अंत तक मैदान पर डटे रहे। उन्हें कोई भी भारतीय गेंदबाज आउट नहीं कर पा रहा था और अपनी पारी को तूफानी अंदाज में बिल्ड करते हुए शनका 98 रनों के स्कोर तक पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों तभी आखिरी ओवर लेकर आए शमी ने अपनी तीसरी गेंद पर गेंदबाजी छोड़ पर खड़े शंका को मांकड़ कर दिया और शंका भी अपनी क्रीज से बाहर थे। ऐसे में अंपायर उन्हें आउट दे सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने उस वक्त खेल भावना दिखाते हुए अपील वापस ले ली और शंका को अपना शतक पूरा करने का मौका मिल गया। केवल इतना ही नहीं, शंका ने आखिरी दो गेंदों पर पहले चौका और फिर छक्का बटोर कर 112 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब रोहित शर्मा के इस फैसले की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, वहीं मोहम्मद सवालों के घेरे में गिर गए हैं। मोहम्मद शमी को लेकर दो अलग अलग विचारधारा बन गई हैं। कुछ लोग शमी को सही मान रहे हैं तो वहीं बहुत से लोग उन्हें खेल भावना का सम्मान न करने का दोषी मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन्हीं सबके बीच अब श्रीलंका के पूर्व धाकड़ खिलाड़ी कुमार संगकारा ने भी इस कॉन्ट्रोवर्सी पर अपनी राय दी है और उन्होंने जो कुछ कहा है उनकी बातें सच में हैरान करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम से आप इस तरह की हरकतें देखने को उम्मीद नहीं करते। शमी ने जो किया नियमों के हिसाब से तो वो सही था, लेकिन नियम हमेशा सही नहीं होते हैं। मैं बल्लेबाज हूं तो मैं समझ सकता हूं ऐसी हालत में आप पर क्या बीतती है। शंका ने अंत तक लड़ाई की और इस तरह से उन्हें आउट करना शमी को शोभा नहीं देता है, शमी को अपनी गलती माननी चाहिए। तो वहीं दोस्तों उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए बताया कि रोहित एक सम्मानित खिलाड़ी है, सभी उनका सम्मान करते हैं, केवल एक बल्लेबाज के तौर पर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान के तौर पर रोहित ने जो किया उसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। हमें वर्तमान क्रिकेट में रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है, मैं रोहित को इसके लिए दिल से सलाम करता हूं। तो दोस्तों अंतिम ओवर में हुए इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या सोचते हैं? शमी ने जो कुछ किया वो सही था या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।